तो भाई जैसा कि ब्लडी डैडी का टीजर आउट हो चुका है, जिसके भाई एक्शन सीक्वेंस काफी गजब के हैं, जिसको भाई कई लोग तो जॉन विक से भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होता है। तो जॉन विक लाइक कहानी इसमें रखी गई है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा क्राइम, सीओप, कॉप, भाई पुलिस का भी लफड़ा है, साथ में बड़े बड़े माफियाज हैं, ड्रग है और खून तो बह रहा है। उसके हिसाब से भाई एक्शन इन लोगों ने काफी अच्छा रखा है, लेकिन जिस तरह शाहिद कपूर इसमें स्टारिंग कर रहे हैं अपना, वो तो भाई अपने इमोशंस में घुस जाते हैं। और उसके हिसाब से एक्टिंग सीक्वेंस काफी अच्छा रखा गया है, क्योंकि भाई ये तो अपनी ओरिजिनल मूवी है नहीं, इसका ये रीमेक बन रही है। इसकी ओरिजिनल मूवी आ चुकी है फ्रांस में, जो कि पहले आई थी न्यूड ब्लांचे के नाम से, उसी को ये लोग रीमेक कर रहे हैं, लेकिन ये भाई इंडिया में आ रही, तो काफी ऑब्वियसली इसमें एक्शन अच्छे रखे जाएंगे। मैं भी उम्मीद करूंगा इसको कोई वैसा वैसा ना किया जाए, क्योंकि इसके पास समय भी बहुत कम है, 8 जून को ये रिलीज हो रही है। तो इन भाई अपने इंडिया वालों को तो काफी अच्छा फ्रेंचाइज होता ही है, उन्हें इच्छा होती है काफी अच्छा एक्शन देखा जाए, वो भी इंडियन हीरो की तरफ से। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है इसे देख के, क्योंकि जैसा कि टीजर अपनी प्लॉट स्टोरी को रिवील करता है, जिसमें आपको समझ में आया कि कहानी कहाँ से घूमती है और क्या कहानी बनाना चाह रही है। जिसको पता ही है आप ये रीमेक है, लेकिन रीमेक होने के साथ साथ भाई कहानी अच्छा रखने पे मूवी काफ़ी अच्छी जाती है। और आपको पता ही है कि इसके डायरेक्टर से हमें क्या उम्मीद होनी चाहिए, जिसने भाई बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, अली अब्बास जी ने, तो भाई ज़्यादा हम ऐसा बुरा भी नहीं सोच सकते, क्योंकि एक्शन जिस तरह ये रखते हैं, उसमें शाहिद कपूर की एंट्री कराई गई है, तो इवनली वो बंदा अच्छा एक्शन करेगा, साथ में रोनित रॉय विलन है, साथ में अपना पुलिस का लफड़ा भी जाएगा, केस होंगे उसमें, तो काफ़ी घुमा फिरा के सारी स्टोरी पारिवारिक होने वाली है। साथ में क्राइम सीन तो है ही धड़ाधड़, जैसे वहाँ जॉन भैया पगला जाते हैं अपने मिशन में, और उनकी बीवी तो वहाँ थी नहीं, लेकिन यहाँ पर इनकी पूरी फैमिली है, बच्चे भी हैं, जिनको सोर्स करके भाई इनसे गलत काम करवाने तक की उम्मीद भी है, क्योंकि जैसा नाम है ब्लडी डैडी, भाई खूनी बाप होता है, तो इतना तो समझ रहे हो कि सबका बाप निकलेगा, सबको लेने में तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएगा, इवनली जो भी उसके रास्ते में आएगा सबको मारने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हमको इस पूरे टीजर में बस एक्शन ही एक्शन दिखाया गया है, बस थोड़ी देर के लिए हमें समझाया गया है। तो ये बॉलीवुड है, तो इसमें तो ड्रामा तो होना ही चाहिए, तो थोड़ा बहुत ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा, पर थ्रिलर भी है साथ साथ में, भाई इमोशन के साथ ये पूरा टीजर भरा हुआ है, जिसमें आपको बस इमोशन फाइट यही देखने को मिला है। और इतना तो पता ही है कि भाई ये स्टोरी लाइन ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी, कि तुम्हें कोई माफिया आज है, उनके पास ड्रग की डीलिंग है, उन्हीं के बीच में तुम्हें जाके उटक नाटक करना है, साथ में उन्हें दबा के लेना है और उनके धंधे को बर्बाद करना है, जिससे उनकी फटेगी और हीरो की एंट्री होगी और हीरो के परिवार के पीछे पड़ेंगे, उसके बाद कहानी घूमेगी, बंदा अपनी परिवार को बचाएगा, उसके बाद उन सबकी ले लेगा, रावण राज खत्म कर देगा, फिर अपना बंदा अच्छी खुशी से जिएगा। लेकिन इतना ही नहीं, साथ में इसके अगले भी प्लान के बारे में डायरेक्टर लोगों ने बता दिया है कि हम अगला भी इसका प्लान कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ कई और मूवियों का कनेक्शन इससे जोड़ा जाएगा, और कि ये अपने खुद के यूनिवर्स बनाएंगे भाई, चाहे जैसे बनाएं तो इनका कनेक्शन काफ़ी है, जहां भेड़िया 2, स्त्री 2, इन सब का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो को लाएंगे डीपली। तो अभी तक बस इतना टीजर लाया है कि हमें पूरी कहानी को एक सस्पेंसबल दे रहा है कि भाई बंदा बौरा जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ड्रग्स का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या घुस जाता है। तो आपको कैसा लगा है पूरा टीजर का एक्सप्लेनेशन, जिसमें काफ़ी लाजवाब कुछ सीने हैं, जिसको देखकर आपको जॉन विक भैया की याद तो आती ही होगी, लेकिन खैर अपने इंडिया वाले जॉन विक को देखकर क्या लगा उसके ओपिनियन आप कमेंट में कर दीजिएगा, और देखते रहिए HBT Explained, मिलते हैं अगली वीडियो में।